Good morning, students. In this video lecture, we want to prove two identities. First है sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y. Second identity है sin x minus y equal to sin x cos y minus cos x sin y. अब इन दोनों identities का proof हम इस आइडेंटिटी के हेल्प से करेंगे. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि x plus y is equal to होता है cos x cos y minus sin x sin y. सेकेंड आइडेंटिटी बताई cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x and sin. इन दोनों के हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे. नाउ वी वांट टू प्रूव फर्स्ट आइडेंटिटी sin x plus y is equal to. तो देखिए सीन हियर sin x plus y is equal to cos. इसको cos में बदलते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है cos pi by 2 minus theta. cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. Now we write here sin x plus y is equal to cos, ये हो गया pi by 2 minus theta. x plus y को हम theta treat कर रहे हैं यहाँ, तो ये pi by 2 minus theta जब लिखेंगे, अगर change करेंगे तो sin theta आ जाएगा, that means ये दोनों equal होगा. अब इसको देखें आगे solve करें, तो इसको हम लिख सकते हैं cos pi by 2 minus x और इसे लिख सकते हैं क्या minus y. ये minus x minus y होगा, minus x को हमने इसके साथ कर लिया, y यहां आ गया. अब ये हो गया cos pi by 2 minus y. अब इसमें देखिए जो सेकंड आइडेंटिटी हमारी है cos x minus y, इसको हम यूज करते हैं. तो यहां लिख सकते हैं देखिए cos pi by 2 minus x into cos y. cos x cos y, x की वैल्यू ये हो गई, y यही है, तो cos x cos y. और ये माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इनटू साइन वाई. नेक्स्ट आगे देखें कास 90 माइनस थीटा, सामने नोट है 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये पाई बाय टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स इनटू कास वाई प्लस साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cos theta, that is cos x into sin y. Hence sin x plus y is equal to sin x into cos y plus cos x into sin y. अब ये sin x plus y के लिए identity हुआ. आप सभी लोग इसे अपने notebook में note करें. स्टूडेंट नाउ वी प्रूव सेकेंड पार्ट ऑफ दिस. सेकेंड पार्ट इसका है साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई, दैट इज साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू. अब इसमें देखिए इसके प्रूफ के लिए हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, दैट इज ये अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई. इसको यूज करते हैं, इसके लिए इसे लिखते हैं साइन एक्स प्लस माइनस वाई. अब ये एक्स प्लस वाई के फॉर्म में चेंज हो गया, इसको एक्स प्लस वाई के लिए अब देखिए लिखेंगे साइन एक्स इंटू फार्मूला क्या है साइन एक्स कास वाई, तो ये हो गया कास माइनस वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन माइनस वाई. नाउ यूज फार्मूला साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स एंड कास माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कास एक्स. इन दोनों को जब इसमें यूज किया जाएगा तो
तो हमें मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये साइन वाई माइनस हो जाएगा तो इसलिए हम साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस आई वाई, माइनस बनाते हैं साइन क्या हो गया चेंज हो गया साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। स्टूडेंट्स ये आपके सेकंड पार्ट का भी प्रूफ आपको मिल गया। एज सेम नेक्स्ट वीडियोस में हम अदर आइडेंटिटीज के प्रूफ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, आप चाहें तो अदर आइडेंटिटी स्वतः भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको टैन ए प्लस बी के लिए आइडेंटिटी फाइंड करना है, तो टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ए प्लस बी अपॉन क्या होता है कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूले को यूज कर लें, टैन थीटा इज इक्वल टू कन्वर्ट हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोगों को साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता चल चुका है, आइडेंटिटी पता चल चुकी है इसके लिए, कॉस ए प्लस बी के लिए भी पता चल चुका है। इन दोनों को आइडेंटिटी की वैल्यू लिखेंगे, साथ साथ इसे हम कॉस एक्स कॉस ए कॉस बी से अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर ये रिजल्ट हमारा टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी, जो कि होती है क्या टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। करना क्या है हमने बताया, आप साइन ए प्लस बी को स्पेंड कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी को स्पेंड कर दीजिए, जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स एंड कॉस वाई, सॉरी यहाँ पर ये भी हमने यूज किया है, तो कॉस ए एंड कॉस बी से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। इस तरह से अदर आइडेंटिटी का प्रूफ आप लोगों के बुक में एज एग्जाम्पल सॉल्व भी है, उसे पढ़ेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ऑनलाइन पूछेंगे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस किया जाएगा।